पता है आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, रात दिन एक कर। अब अगला देखिए, अगला यहाँ पर क्या है, आप सभी का जो इस वीडियो पे काफी ज्यादा प्यार आया है और काफी ज्यादा आपने इसे पसंद किया है, तो आप सभी का कॉमेंट था कि सर हमें जो है रियल पेपर दीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब बताइए, लेकिन बताइए परंतु 80 में से 80 दिलाइए। तो आज की इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, ये देखिए पेपर पर आपको ये बताऊंगा इसी में से 80 में से 80 आएगा। कितना आएगा? 80 में से 80, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको करना है कुछ नहीं है, मैं जो जो भी वीडियो डालूंगा प्रत्येक वीडियो को आपको समझना है अच्छे से, है ना, फॉलो करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक एक डिमांड जरूर है, 1K लाइक जरूर कंप्लीट करवा दो यार, बस 1K यानी 1000, बस सिर्फ 1K लाइक कंप्लीट करवा दो यार। चलो चलते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सही विकल्प। देखिए समीकरण निकाय है ना, ये होता है इसका जो है पूछ रहा है का एक अद्वितीय हल, तो इसका आंसर ये देख सकते हो, ठीक है ना, सभी का आंसर ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, मैं समझाऊंगा ना इस वीडियो में, ये आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला इसका आंसर ये है समांतर श्रेणी का सार्वंतर, तो सार्वंतर -5 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, यदि है ना द्विघात समीकरण का एक है ना व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, इसका आंसर देख सकते हो आप, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगला देखिए, ये देख सकते हो रिक्त स्थान है ना, रिक्त स्थान में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका एक बहुपद होगा, ठीक है ना, और इसका आंसर एक होगा, ठीक है ना, दूसरे का। अगला देखिए, अगला यहाँ पर किसी बहुपद के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं, तो 2 मूल हो सकते हैं ना द्विघात बहुपद के। यहाँ पर देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के ना बहुबल बहुलक क्या जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर समरूप, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है सत्य सत्य है ना, सत्य सत्य, तो देखिए यहाँ पर पहला जो सत्य है, ठीक है ना, और देखिए दूसरा जो दूसरा से सत्य है, तीसरा असत्य है, और चौथा जो ना चौथा वो देखिए चौथा देखते हैं अभी, चौथा भी हमारा सत्य है, ठीक है ना, चौथा सत्य है, पांचवा भी सत्य है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये देखिए सही जोड़ी है ना, सही जोड़ी आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो सही है ना, पूरा यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यही है, ओके। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर देखिए 8 त्रिज्या वाले, तो देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ये है, ठीक है ना, जरूर याद रख लेना, ठीक है ना, हमारे जितने वीडियो आएगी सारी की सारी याद रखना, अगर सारे के सारे को देखते हो तो 100% इसमें जाएगा, देख सकते हो इसमें है ना, ये आंसर होगा पूरा, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, पढ़कर देख लीजिएगा अच्छे से। अगला देख सकते हो यहाँ पर, अगला जो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा आप देख सकते हो, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसका पूरा आंसर इतना बड़ा होगा, ठीक है ना, इतना बड़ा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला आता है यहाँ पर देखिए, है ना, ये इसका आवाज गुणनखंड करना है हमको किसका, 140 का, इधर समझ सकते हो, इधर इसका आंसर है, ठीक है ना, ये देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसका अथवा वाला देखिए, ये अथवा वाला में एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, पूरा यहाँ पर है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है ये उत्तर वाली लाइन है, ठीक है, ये देख सकते हो। अगला देखिए यहाँ पर, अगला है सातवा देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, सातवा वाला है, उसका आंसर ये है ना, उसके बाद पूरा जो आंसर इस प्रकार से होगा, ठीक है ना, देख सकते हो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसकी PDF नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अगला किसी बहुपद में आपको PX का शून्यक बताना है, तो देखिए यहाँ पर PX का शून्यक 0 है, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला है आठवा वाला, इस आठवें वाले में आपको यहाँ पर इसका आंसर निकालना है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छे से, और ये जो थोड़ा सा गलत हो चुका है, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है। अगला देखिए ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए यहाँ पर, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां का अथवा है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, इसमें हमको निर्देशांक लिखना है ना, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से होगा इसका आंसर, ठीक है ना, सूत्र से पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पर जो थोड़ा सा ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है, बाकी ये देख सकते हो आप अच्छे से, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, अगला आप देख सकते हो यहाँ पर ये, ठीक है ना, इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा मैंने, पूरा आपको ऐसा ही लिखना है, तभी जाकर के आपको जो पूरा मार्क्स मिलेंगे, ये इनका मतलब ये है, जो यहाँ पर लिखा ना वो यहाँ पर भी लिखना है, इतना है ना, ठीक है, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखिए यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना,
ये देख सकते हो ठीक है। ये पूरा पूरा आपको ऐसा कैसे लिखना है ना, ए टू जेड जैसा बताया हूँ ऐसा वैसे लिखना है। और इसका देखिए यहाँ पर है ना इस प्रकार लिखना है, ये जो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर देखिए ये दस वाला है ना, दस वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले दिया है वो लिख देना है, उसको देखिए इस प्रकार से लिखते जाना है आपको, लिखते जाना है और यहाँ पर ये जो है ये आंसर हो जाएगा, ये पूरा पूरा ये आंसर निकल जाएगा ठीक है इस प्रकार से। चलिए अगला देखते हैं, देखिए मेस में अगर आप एक भी स्टेप मिस कर दोगे ना तो आपके पूरे पूरे आंसर जो गलत हो सकता है, इसलिए आपको एक भी मिस्टेक नहीं करना है। और अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं आप सभी को ये जो है ये सिखाऊंगा ना, ये समझाऊंगा, देखिए ये जो इसका ये आंसर हो जाएगा ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा अगली वीडियो में जो है इसको समझाने वाला हूँ है ना, इसमें मैं समझाऊंगा ना, इसमें तो वो जो टीपा पट्टी वाला है ना वो रटने वालों के लिए ये वीडियो है ना, ये वीडियो इसका आंसर देख सकते हो ठीक है। ग्यारहवें का अथवा वाला देख सकते हो आप यहाँ पर इस प्रकार से है ना, अच्छे से देख सकते हो ठीक है, अच्छे से देख लेना। और इसका जो आंसर है ये वाला रहेगा ठीक है ना, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला क्या ये है बारवा है ना, देख सकते हो आप अच्छे से देखिएगा और इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला क्या है, अगला है बारहवा का अथवा वाला है, यहाँ पर देख सकते हो आप अच्छे से ठीक है इस प्रकार से। उसके बाद इसका जो ये देखिए थोड़ा सा ये जो है ना ये गलत है ना, ये यहाँ से गलत है ठीक है ना, ये यहाँ तक गलत है। उसके बाद देखिए ये आगे आना आपको है ना, आगे का फोटो नहीं खींचा मैंने, इसका थोड़ा अधूरा है ना, ये अगली वीडियो में पूरा आ जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक है और बाकी के और वीडियो को भी आपको देखना है, इस एक वीडियो से कुछ काम नहीं चलने वाला है, आपको सभी को देखना है। और इस वीडियो पर आपको 1K लाइक कंप्लीट करवाओगे तभी अगली वीडियो आएगी, वरना अगली वीडियो नहीं डालूंगा मैं ठीक है ना। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।